टीवी कलाकार। मैं विशाल हूँ और मैं दादागिरी में दादा हूँ, जैसे आपको दिख रहा है मेरे हुलिये से कि हाँ जी, आई एम फ्रॉम प्रॉपर बॉम्बे, मुंबई से मैं पैदा हुआ था, बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन मुंबई। I just lost my father like a year back. My mom's a housewife. तो आपने पढ़ाई करी? मैंने पढ़ाई भी मुंबई में करी है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जो केटरिंग कॉलेज है हमारा बॉम्बे में, विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। तो वहाँ पे मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। चूंकि सर जी आप बॉम्बे में रहते थे तो लाइफ भी आपने देखी होगी, रियल लाइफ। आप फिल्म दुनिया में कहाँ से आए यार? वो एक कैसे आया, हाँ एक शो हुआ करता था जहाँ पे बहुत पहले आता था शो, जहाँ पे अगर आप अपना फोलियो भेजो तो और अगर वो सिलेक्ट हो जाए तो आपको एक्टिंग क्लास फ्री मिलता है। तो दैट्स व्हेन आई हैड सेंड दिस फोलियो और मेरा फोलियो सिलेक्ट हो गया था, और देन आई डिड माय किशोर नमित कपूर। तो वो फिर वो एक्टिंग का कीड़ा कर गया मेरे को, तब से व्हेन आई स्टार्टेड माय किशोर नमित कपूर वगैरह। यार मैंने दादागिरी के फोर सीजन है मेरा। बाकी एक फिक्शन किया हुआ है मैंने, जो उसका नाम है बाबुल का आंगन छूटे ना, जिसमें मैं ध्रुव प्ले कर रहा था और मैं बहुत बोर हो गया वो प्ले करके, बिकॉज यार मैं फिक्शन से थोड़ा कम रिलेट करता हूँ, लेकिन आई लव एक्टिंग। लेकिन जो तब का सिनेरियो था यार, आपको वही लाइनें बोली जा रही, वही कर रहे हो आप, मज़ा नहीं आ रहा था। दादागिरी का कोई ये सीजन की बात करें आप? किसी भी सीजन? अरे बहुत सारे, मतलब आपको मतलब एक बहुत भयंकर एपिसोड्स भी है जिसमें हंसी नहीं आती, लेकिन सोचता हूँ ये कैसे हो गया। अगर आप कॉमेडी बोलो तो एक सेकंड सीजन में मेरा एक टास्क था जहाँ पे लड़कों को एक ड्रम में मतलब उनको घुसेड़ दिया था और वहाँ से उनको ढकेल दिया था, मतलब वो ड्रम केम रोलिंग डाउन, उनको वहाँ से निकलना था, दो बाल्टियाँ थी, बाल्टी लेके पानी भरना था और एक टैंक में डालना था। तो करते समय एक बंदे की पतलू नीचे आ गई, बट उसकी स्पिरिट इतनी थी कि पतलू नीचे आने के बावजूद ही कम्प्लीटेड द टास्क, और मैंने सारे पूरा यूनिट हंस पड़ा था क्योंकि वो उसकी ट्राउजर पतलू थोड़ी नीचे आ गई। तो आखिर में ही बस वेरी एम्बेरेस और फील करके, तो मतलब वो तो मतलब पागल बनती है, इट्स क्रेजी। वर्क वाइज इंशाल्लाह आई वुड प्रोबब्ली डू द फिफ्थ सीजन आल्सो। There's a movie project, बहुत इंटरेस्टिंग है, UTV स्पॉट बॉय के साथ। डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि यार मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, बोलता कुछ और होगा, कुछ और हो गया तो फिर पंगे हो गए। तो लेट इट हैपन आई गेस, और दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि हम रियल लाइफ में फिल्म बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं? नहीं यार, पता नहीं, मैं कुछ और करने की कोशिश की थी कभी, पता नहीं, शायद की थी बीच में। आई कैन नॉट रिलेट टू एनीथिंग बट एक्टिंग, सो जीना या मरना या। थैंक यू वेरी मच।